अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, ये मैथ्स से क्लास 8 की जिसका यूनिट नंबर 3 एक्सरसाइज 3.6 शुरू करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, इसके आल पार्ट्स करेंगे। इसके 5 क्वेश्चन हैं। इसके क्वेश्चन नंबर 1 के आल पार्ट्स का मतलब है ये 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो ये 5 हैं इसके, सॉल्व कह रहा है, हल करें। अब यहाँ पे देखें, ये बेस 8 दिया गया है, यानी ऑक्टल सिस्टम दिया गया है। तो इस ऑक्टल में क्या होता है, थोड़ी सी मैं इधर लिख देता हूँ, वजाहत कर देता हूँ। ये देखें, इसमें जो होता है वो 8 जो है वो बराबर होता है 10 के, 9 बराबर होता है 1 के, 10 बराबर होता है 12 के, और 11 बराबर होता है 13 के, 12 बराबर होता है 14 के, 13 बराबर होता है 15 के, 14 बराबर होता है 16 के, 15 बराबर होता है 17 के बराबर होता है, 17 के बराबर होता है। तो 8 देखे 10 के बराबर होता है, तो यहाँ पे इसका डबल हो जाएगा 16 8 10 के बराबर है, तो 16 20 के बराबर हो जाएगा, यानी ये इसी तरह बढ़ता हुआ जाएगा। अब ये कैसे होगा, ये थोड़ा सा मैं इधर आपको वजाहत इसकी कर देता हूँ कि ये किस तरह होता है। ठीक है, यहाँ देखें 8 10 के बराबर किस तरह होता है, ये देखें 8 है तो इसके जब फैक्टर्स निकालेंगे तो इस पर 8 की टेबल लगेगी। 8 की टेबल कितनी मतलब जाएगी, 1 टाइम जाएगी, और यहाँ बच जाएगा 0। तो हमारे पास क्या होगा, 10, ये इसके बराबर हो गया। बेस 8 सिस्टम में मैंने आपको पहले भी समझाया था। अब इनमें से कोई एक कर देते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। अब 12 जो है वो 14 के बराबर रहते हैं, इधर देखें 12 कर देते हैं, इस पर 8 की लगा देते हैं टेबल, 8 की टेबल यहाँ पे 1 टाइम, और बाकी हमारे पास कितने बचे, 4 बचे। तो ये देखें 1 एंड ये 4 हो गया, तो ये बेस 8 लगा दिया हमने, तो 12 किसके बराबर हो गया, 1 4 के बराबर हो गया। 20 भी करें, 16 भी कर देते हैं, देखें ये 16 है, तो 16 पे 8 की टेबल कितनी मतलब जाएगी, 2 टाइम जाएगी, तो बाकी हमारे पास कितना बचेगा, 0 बचेगा, तो ये 2 0। ठीक है, ये इसी तरह आप करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा। ठीक है, आप सॉल्व करते हैं, ये प्लस है तो 3 5 6 प्लस 6 7, ये 3 5 6 एंड 6 7, इनको हमने प्लस करना है। देखें 6 एंड 7 ये हो गए 13, और 13 किसके बराबर होता है, ये देखिए 13 यहाँ पे 5 1 5 के बराबर होता है, इसका 5 इधर रखेंगे और 1 इस तरफ चला जाएगा, तो ये 6 6 एंड 6 12 हो जाएगा। तो 12 किसके बराबर होगा, 12 बराबर होगा यहाँ देखें 1 4 के बराबर है, तो इधर 4 रखेंगे और 1 इधर चला जाएगा, 1 एंड 3 कितना हो गया, 4 हो गया। तो यहाँ पे इधर कर देंगे, इसका बेस 8 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। इसको भी इसी तरह करेंगे, यानी ये रकम है 5 0 3 4 फिर 6 7 2 एंड 1, तो इसको हम प्लस कर देंगे, तो 4 एंड 1 5, क्योंकि 8 से शुरू होगा तो बाकी जितने भी होंगे वो वैसे के वैसे रखेंगे। 3 एंड 2 ये भी हो गया 5, एंड ये 7 का 7, 5 एंड 6 11, 11 देखें 1 3 के बराबर है, तो 1 3 इधर रख देंगे, तो ये बेस 8 लगा दें, ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये 3 नंबर देखें, ये 5, ये 0 0 3, फिर यहाँ पे 4 4 6 6 एंड 6, इनको हम जमा करेंगे, तो 3 एंड 4 7, क्योंकि 8 से शुरू होता है, 8 बराबर 10 का होता है, तो बाकी जो होंगे वैसे के वैसे रहेंगे। 3 एंड 4 7, 7 का 7 रहेगा, 4 का 4 रहेगा, ये 6 का 6 रहेगा, 5 एंड 6 11, और 11 बराबर होता है 1 3 के, तो उसका 3 का 3 रखेंगे और 1 इस तरफ चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 7, तो 7 का 7 रख देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा
फोन नंबर पे ये देखें 7, 3, 5 एंड 6, प्लस 6, 5, 2 एंड ये 6, इसको प्लस कर देंगे तो 6 एंड 6 12, 12 बराबर होता है 1, 4 के, तो इसका 4 इधर रखेंगे और 1 इस तरफ चला जाएगा, तो 6, 6 एंड 5 11, 11 बराबर होता है 1, 3 के, इसका हम 3 देंगे इधर और 1 इस तरफ चला जाएगा, 4, 4 एंड 2 6, 6 का 6 रहेगा, 7 एंड 6 13 और 13 बराबर होता है 1, 5 के, तो इधर 1, 5 लगा देंगे और यहाँ बेस 8 लगा देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, 6, 5, 7, 5, 4, 6, यहाँ से 1, 0 एंड 7, 6, 4, ये हम प्लस करेंगे तो 6 एंड 1 ये होगा 7, ये 4 का 4 होगा, 5 एंड 7 12 और 12 बराबर होता है 1, 4 के, इसका 4 लगा दें हासिल 1, 8, 8 एंड 6 हो जाएगा 14 और 14 बराबर होता है 1, 6 के, इसका 6 लगा देंगे और 1 इस तरफ चला जाएगा, 6, 6 एंड 4 हो जाएगा ये 10 और 10 जो है वो बराबर होता है 1, 2 के, तो इसका 2 लगा देंगे हासिल 1 इधर, तो 1 एंड 6 ये हो गया 7, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो ये था आज का पार्ट जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 किया, इसके ऑल पार्ट्स किए, क्वेश्चन नंबर 2 तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।